जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। नए कप्तान और नई टीम के साथ आज टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का आगाज हो रहा है। शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन के ट्रिनिदाद मैदान में खेलने जा रही है। हालांकि इंग्लैंड में T20 मैच और वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा है, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह, मोहम्मद शमी समेत कई अन्य खिलाड़ी एक दिवसीय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, जिससे श्रृंखला जीतना टीम इंडिया के लिए एक चुनौती जरूर साबित होगी। वनडे प्रारूप में खेल रहे धवन अपने करियर में दूसरी बार भारत की अगुवाई करेंगे। नियमित कप्तान रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए विश्राम दिया गया है। इस कड़ी में प्रयागराज की युवा खिलाड़ी भी टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैदान में जीत के नारे भी लगा रहे हैं। अगर वेस्ट इंडीज खिलाड़ी की बात करें तो वेस्ट इंडीज कप्तान निकोलस पूरन सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, क्योंकि निकोलस पूरन IPL मैच खेल चुके हैं, जिससे उनको भारतीय खिलाड़ियों के खेल के बारे में अच्छी जानकारी है। इसके साथ ही शाई होप, रोवमन, पॉवेल, होल्डर से भी टीम इंडिया को सतर्क रहना होगा। सबसे पहले बात तो ये है कि जो आज हमारा मैच होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि हमारे नए कप्तान है और नई जोश और उमंगों के साथ वो टीम को लेकर आगे बढ़ेगा। और हमारी जो नज़रें हैं वो मोस्टली जो हमारे नए युवा बल्लेबाज हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है, श्रेयस अय्यर है, जो कि अभी इंग्लैंड दौरे पे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन उम्मीद है कि इस उसमें मैचेस में वो परफॉर्मेंस जरूर आएगी उनसे, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं हम। क्लीन स्वीप करेगी टीम, और डेफिनेटली, क्योंकि अभी वर्ल्ड नंबर वन टीम को इन्होंने हराया है, इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रही है, तो उनको ये हरा के आए, तो इनका सभी का मोरल एकदम टॉप पे है, तो नो डाउट ये क्लीन स्वीप करेंगे और क्लीन स्वीप वनडे और 2020 दोनों में करेंगे। प्रयागराज की युवा खिलाड़ियों का कहना है कि टीम इंडिया इंग्लैंड की तरह वेस्ट इंडीज में भी अपना परचम लहराएगी। तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के साथ साथ पांच मैचों की T20 श्रृंखला भी अपने नाम करेगी। तो होप ये है कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे इनको, और अभी जैसे अभी कप्तानी मिली है इनको, तो हमें लगता है कि उसका ये निर्वाह जो है पूरे अच्छे तरीके से, जैसे हमारे पिछले कप्तान रहे, धोनी रहे हों, विराट कोहली रहे हों, दादा रहे हों, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये भी लंबी कप्तानी करें और कप्तानी के साथ साथ अपने फॉर्म को भी मेंटेन रखें। अभी जो जिस तरीके से हमारी बेंच स्ट्रेंथ तैयार है ना, उसके हिसाब से अगर आप एक मैच में नहीं करेंगे, दो मैच में नहीं करेंगे, तो तीसरे मैच में आपके ऊपर उंगली उठ जाती है, और इसके कारण हर प्लेयर के ऊपर ना एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं उम्मीद करता हूँ सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरे उतरेंगे और होप यह है कि हम क्लीन स्वीप करें। पहले एक दिवसीय श्रृंखला में उम्मीद है कि शुभम शुभ, मान गिल, शिखर धवन के साथ ओपनिंग करेंगे और दीपक हुड्डा, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ भी बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाएंगे। इंग्लैंड में हुई श्रृंखला जीतने के बाद आज से टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर है, और ऐसे में हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक ग्राउंड में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और हिप हिप हुर्रे के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं, और सभी को ये उम्मीद है कि टीम इंडिया जो है आज का मैच जीतेगी, साथ ही साथ जितने भी मैच हैं वो टीम इंडिया जीतेगी, क्लीन स्वीप से जो श्रृंखला है वो जीतेगी। हालांकि टीम इंडिया के नए कप्तान हैं शिखर धवन के रूप में, अगर हम एक दिवसीय की बात करें, और T20 में रोहित शर्मा और KL राहुल वापस आ जाएंगे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि तीन मैचों की जो श्रृंखला है वो कौन जीतती है, लेकिन यहाँ पर जो युवा खिलाड़ी हैं वो बेहद उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रयागराज।